लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी हैं। ढोलकपुर की शान, मेरी शक्ति का राज। हटो रे। वाह मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुकाते हैं। लड्डू चाहिए? वो देखो राजकुमारी वहाँ बैठी है। अरे इंदू, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे और बौद्ध आश्रम। सच में कितनी सुंदर जगह लग रही है। और देखो यहाँ के लोगों की पोशाक भी कितनी निराली है। वो तो है, अब जरा सोचो कितना मजा आएगा अगर हम भी ये पोशाक और अनोखे गहने पहन सके। और कितना मजा आएगा हम सबको वहाँ की बर्फ में उथल पुथल करने में। जरा सोचो भोलू भोलू, वहाँ के तरह तरह के पकवान भी खाने को मिलेंगे। और उन बर्फीली चोटियों में न जाने कितने रोमांचक राज छुपे हों। ये सब तो ठीक है पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इंदू? यही कि हम कश्मीर जा रहे हैं। चुटकी वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़े। मुझे लगता है हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। मुन्ना को वो वहाँ वहाँ ओए वहाँ देख छोटे, एक मुन्ना है। Thank you.
सुनिए, आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ हाँ, वो वहाँ उस तरफ। प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। अब बस करो जग्गू, हंसा हंसा कर तो तुमने पेट में दर्द करा दिया। अरे जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये है हमारे महाराज राजा इंद्र वर्मा और ये राजकुमारी इंद्रमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। मेहरबानी चाचा, कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बात नहीं। ये तुम लोगों ने कैसी पोशाक पहन ली है? इसे तो नौटंकी वाले हैरान के उत्सव में पहनते हैं। और तुम दोनों ने कहा कि मैं राजा दिखता हूँ। बाजा तो तुम्हारा अब भी बजेगा। वाह, क्या नजारा है। मुझे बर्फ पे फिसलना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे ढलान पे? घबराओ मत जग्गू, यहाँ अलग अलग ऊंचाई के कई सारे ढलान हैं और स्कीइंग में सबकी मदद करने के लिए प्रशिक्षक भी हैं। तुम सब बच्चे अगर पहली बार स्कीइंग कर रहे हो तो उधर उस ढलान से शुरू करो। वो देख, बिद्दी सटीला है, उस पर कौन स्की करेगा? मैं करूंगा। मैं साथ चलोगे राजू? रुको जग्गू, हम भी आते हैं। इसी ढलान बुजदिलों के लिए ठीक है, पर मेरे लिए तो वो ढलान ठीक है। सही तो है उस्ताद, अगर हाथ पैर मुफ्त में तुलवाने हो तो फिर रहो यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ। अरे वो ढलान बहुत ही खतरनाक है, हाल ही में अचानक से भूस्खलन आने की वजह से वहाँ पर कई लोग जख्मी हो गए थे। अपने दोस्त को रुको, जल्दी करो। अरे उस्ताद, फिलहाल तो बचाने मैं ही आया हूँ।
पता नहीं वो चीता हम पर ही क्यों लपका, है ना आसमा? सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। दोस्त को चोट लगी है, वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम बुरा ना मानो तो पहले टिकट हम ले लें। हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। शुक्रिया, तुम सब कितने भले हो। जरा संभाल के। मैं यहाँ का गाइड हूँ, आओ मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर, पर पहले हम कुछ तस्वीरें तो खींच ले। शाहजहाँ ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता, सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। ये है कलाकारी। देखो हम यहाँ से वापस घर जाए तो साथ में इस आलीशान महल की कुछ यादगार ले जानी तो बनती है ना। क्या फोटो? मैं तो इस पत्थर के एक टुकड़े की बात कर रहा था। तुम आसपास नजर रखो, मैं अपने औजार से कमाल दिखाता हूँ। मेरा औजार वापस दे दे। लेकर दिखाओ। छत है, बाप रे।
तुम्हारे वास्ते खास हमारे हलवाई ने लड्डू बनाए से। शंगड़ा हो जाए से देखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अरे भोलू, क्या तुमने भीम को कहीं देखा है? पता नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा किया तुम जल्दी आ गए, मगर किसी को पता तो नहीं चला ना? चुटकी को भी नहीं, ऐसा बनाया सबको। हाँ क्या बनाया? कर दिया ना गड़बड़ घोटाला। चालाकपुर पहाड़ी से सबसे पहले शेर दिलेर अपना करतब दिखाएंगे। अब देखिए डांस मोरनी तोड़ने का। अब देखिए जानी दोस्त खरगोश का कमाल। अब ये तीनों मेहमान चालाकपुर की कुछ खास चीज खिलाएंगे।